TV9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। नमस्कार। पाकिस्तान में काले इल्म का मतलब बुशरा बेगम है, लेकिन अब इमरान का बॉस बाजवा भी टोने टोटके का गुलाम हो गया है। जंग के ख्याली मैदान में दौड़ लगाने वाला बाजवा अब बाबाओं की शरण में है। उसे लगता है कि ऐसा करने से वो भारत से जंग जीत लेगा। एक तरफ बाजवा दौराए मजार पर जाकर टोटके कर रहा है, दूसरी तरफ सनकी जनरल सीक्रेट वॉर जोन तैयार कर रहा है। पिछले 24 घंटों में बाजवा ने भारत के खिलाफ 4 डेंजरस प्लान्स बनाए हैं। आज टोटके वाले बाजवा का हर प्लान रिकॉर्ड होगा। आखिर JF-17 की फैक्ट्री में बाजवा की कैसी मिस्ट्री छिपी है, बाजवा जंग का कैसा सायरन बजाने वाला है और कैसे पाकिस्तान में जहरीले जनरल का डर्टी ब्रेन सुपर वायरल है, देखिए। बाजवा JF-17 लड़ाकू विमान देखने क्यों गया? लड़ाकू विमान देखने के बाद बाजवा मजार पर क्यों गया? वॉर जोन में जनरल बाजवा के 24 घंटे में कितने डेंजर प्लान बने? सरहद पार जनरल का जंगी जुनून वायरल है। सरहद पार बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। पाकिस्तान का सनकी जनरल कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। बाजवा 24 घंटों से सीक्रेट वॉर जोन में है। बाजवा के खुराफाती दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? वो भारत के खिलाफ क्या करने वाला है? दुश्मन के दिमाग में कैसा डेंजर प्लान दौड़ रहा है? जनरल के डेंजर प्लान की हर डिटेल आज सरहद पार से डीकोड होगी। सनकी जनरल के सहन पर जंगी जुनून सवार है। बाजवा की ये पागलपंती पाकिस्तान में वायरल है। वॉर जोन में बाजवा, बड़ी खबर नंबर 1। कामरा एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में बाजवा का प्लान W रेडी। वॉर जोन में बाजवा, बड़ी खबर नंबर 2। पाकिस्तान में 24 घंटे में वॉर पर 4 बड़ी सीक्रेट मीटिंग। वॉर जोन में बाजवा, बड़ी खबर नंबर 3। बाजवा की वॉर डील पाकिस्तान में वायरल है। बाजवा अगले 48 घंटों में क्या करने वाला है? पाकिस्तान में वॉर का रेड अलर्ट जारी करने से लेकर जंग की रिहर्सल करने वाला बाजवा भारत के खिलाफ क्या करने वाला है? जंगी जुनून को हकीकत में बदलने के लिए बाजवा किस चौखट पर माथा टेक रहा है? अमेरिका से लेकर ब्रिटेन के चरणों में गिरकर बाजवा किस सीक्रेट फाइल को पास कराना चाहता है? बाजवा की हर डील आज कैमरे पर बेनकाब होगी। इमरान का बॉस पागलपंती पर उतारू है। हवाबाज इमरान की तरह बाजवा ने भी सरहद पार जंग की हवा बना दी है। कश्मीर पर करारा तमाचा खाने के बाद से ही बाजवा का दिमाग हिला हुआ है। जंग का झूठा गुमान पाले बैठा बाजवा 24 घंटों में दुनिया के 2 सुपर पार मुल्कों के आगे गिड़गिड़ा रहा है। इस मुगालते के साथ की जंग के मैदान में वो उसका साथ देंगे, लेकिन यहां भी बाजवा को मुंह की खानी पड़ी। अब हर तरफ से हारे बाजवा को बाबाओं का सहारा है। दिखाते हैं आपको बॉर्डर वाली साजिश के लिए बाजवा ने किससे आखिरी ऑर्डर लिया और कैसे बाजवा पागलों की तरह अकेला ही जंग जंग चिल्ला रहा है। पाकिस्तान का जल्लाद जनरल भारत से जंग का कैसा गुमान पाले बैठा है? कैसी तैयारियों में बाजवा लगा है? कैसा खुराफात उसके दिमाग में दौड़ रहा है? ये तस्वीरें उसका जिंदा सबूत हैं। इस्लामाबाद से करीब 60 किलोमीटर दूर पंजाब के कामरा में पाकिस्तानी एयरफोर्स का सबसे बड़ा एयरबेस मौजूद है। कामरा के इसी एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के ब्लॉक 3 में बाजवा के नए वॉर जोन है, जहां ये सनकी JF-17 लड़ाकू विमान देखने पहुंचा था। इस सनक के साथ के भारत से जंग के लिए उसे लड़ाकू विमान तैयार है या नहीं? बाजवा पिछले कई महीनों से कामरा के इसी एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में JF-17 फाइटर प्लेन बनवा रहा है। JF-17 फाइटर प्लेन को बाजवा जंग में जासूस की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। हल्के वजन के इस विमान को बाजवा अपनी जिगरी दोस्त चीन के मदद से बना रहा है, लेकिन खबर ये भी है कि बाजवा के ऑर्डर पर पाकिस्तान ने 17 स्वदेशी JF-17 लड़ाकू विमान तैयार किए। चीन की तकनीक चोरी कर बाजवा ने लड़ाकू विमान बनाए। पाकिस्तान के पास 25 JF-17 फाइटर प्लेन है। बाजवा भारत की बढ़ती सामरिक ताकत से परेशान है। जब से भारत ने रूस में 5400 मिसाइल सिस्टम की डील की है, जब से फ्रांस के बाहुबली राफेल विमान भारत आने वाले हैं, तब से बाजवा बेचैन है। बाजवा कभी मिसाइल परीक्षण कर रहा है तो
कभी GF-17 लड़ाकू विमान बनाकर पाकिस्तान का खजाना खाली करने में लगा हुआ है। भारत से टकराने की ऐसी जिद जनरल बाजवा के सिर पर सवार है कि पिछले 24 घंटों में बाजवा पाकिस्तान में वॉर पर 4 बड़ी मीटिंग कर चुका है। 7.5 घंटे तक बाजवा ने जंग की तैयारियों पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बंद कमरे में सीक्रेट मीटिंग की। बाजवा का डेंजर प्लान के हर पन्ने पर गहरी साजिश चस्पा है। कश्मीर पर दुनिया से मुंह की खा चुका पाकिस्तान जंग के लिए सुपर पावर मुल्कों की शरण में है। बॉर्डर पर बारूदी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बाजवा खतरनाक प्रपंच रच रहा है। बाजवा अपनी हैसियत जानता है, पाकिस्तान की औकात भी उसे अच्छे से पता है। लिहाजा पिछले 24 घंटों में बाजवा ने पहले ब्रिटेन की हाई कमीशन से मुलाकात की, उसके चंद घंटे बाद बाजवा अमेरिकी एम्बेसडर से मिला। चौबीस घंटे में बाजवा अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक के आगे गिड़गिड़ाया, फिर G-17 लड़ाकू विमान को देखकर कुप्पा हो गया, जिसके बाद ही सन की सीधे लाहौर में दाता दरगाह पर चादर चढ़ाने पहुंचा। पाकिस्तान में बाजवा के इस तनक पर कई खतरनाक कयास लगाए जा रहे हैं। 6 दिसंबर को जनरल बाजवा अपने कायर जवानों के साथ बहावलपुर पहुंचा था, जहां उसने सऊदी से भाड़े पर लाए गए जवानों के साथ मिलकर पाकिस्तान का गोला बारूद बर्बाद किया था। तारीख 4 दिसंबर, जगह झेलम फायरिंग रेंज, पाकिस्तान। बाजवा ने पिस्तौल चलाने की प्रैक्टिस की। टेंशन बढ़ाने वाली ये तस्वीर 4 दिसंबर की है। बाजवा के हाथ में बारूद बरसाने वाला सामान है। झेलम फायरिंग रेंज में सिर्फ रे जनरल ने निशाना साधा, गोलियां भी दागी, वो भी अपने बुजदिल फौज के जवानों के बीच। युद्ध की हवा बनाने वाला जहरीला जनरल इतना डरपोक है कि मजमा लगाकर निशाने की नुमाइश कर रहा था। तारीख 3 दिसंबर, जगह मुसाफ एयरबेस, पाकिस्तान। लड़ाकू विमान F-16 में बाजवा की उड़ान। पाकिस्तान में वॉर का रेड अलर्ट। बाजवा की जंगी सनक की ये तस्वीरें 3 दिसंबर की हैं। पाकिस्तान को बर्बाद करने की जिद ठान चुके जनरल ने 3 दिसंबर को पाकिस्तान के सरगोधा में मुसाफ एयरबेस पर आ धमका।